चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। ये जो चिकित्सा व्यवस्था है हमारे यहाँ की, वो तो चरमरा गई है। अजी वहाँ कहाँ टाइम लगे, वहाँ तो जो है डॉक्टरी वारी हमें ना कुछ टाइम लगता उनका आने का। हमसे जितना हो पाता है, जिस चीज का अरेंज हम कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। इस तरह के अभियान शुरू करना आपको क्यों जरूरी लगा? अखबार और टीवी की खबरों से जब पढ़ते थे कि आज फला अस्पताल में जो है ऑक्सीजन नहीं है, फला जगह बेड नहीं है, तो इतना एक तरह का एहसास जो है पैदा तो होता था, लेकिन जो है वो मतलब जुड़ नहीं पाता था हमसे। तो अचानक से हमारा एक दोस्त था शौकीन, तो उसको बुखार आया, तो उसे लेके हम लोग जो है अपने बड़ौत में, बागपत में, सोनीपत में और मेरठ, मतलब हम चारों तरफ घूमते रहे, तो हम लोग कहीं भी जो है उसको एडमिट करने का भी हमें नहीं मिला। तो उस समय हमें ये लगा कि जब हम इतनी भागदौड़ करने के बाद भी जो है अपने एक साथी को जो है एडमिट नहीं कर पाए, तो उन लोगों का क्या हो रहा होगा जिनके पास में कोई ना, उनको यही पता कि मेरठ में कौन सा अस्पताल किस लिए है, कौन डॉक्टर कहाँ मिलेगा। तो हमें लगा कि हमें इस तरह के अभियान में लग जाना चाहिए। तो फिर हम लोग तभी से जो है हमें लगा कि वो छोटी बीमारी के लिए लोग जो है अपने आप को दिखा नहीं रहे हैं। दूसरा, ऊपर से जो कोरोना का एक तरह से प्रचार लोगों के बीच था, एक डर था, तो हमें लगा कि इस डर से भी जो है लोगों को मुक्त करने की जरूरत है। उन्हें लगे कि कोई हमारे बीच है और हम लोग भी देख रेख करने वाले हैं। गांव आप जा रहे हैं, किस तरह की स्थिति आप देख रहे हैं, या किस तरह की व्यवस्थाएं गांव में स्वास्थ्य को लेकर की गई है? गांव की जो स्वास्थ्य की अगर हम बात करें, तो सबसे लचर अवस्था अगर हम देखें तो ग्रामीण क्षेत्र की ही है। अगर वहां किस तरह से कोई व्यवस्था भी है, या कोई सरकारी बिल्डिंग भी है जिसमें डॉक्टर आने का या बैठने का व्यवस्था है, या तो वो ढा चुकी या फिर जो उनमें जो घास उगा हुआ है। और जब कोरोना ने अपना जो है एक असली रंग दिखाया, तो उस समय जो है डॉक्टर को कहाँ बैठाए, सरकारी स्कूल में बैठाना शुरू कर दिया। तो इस तरह से ये जो चिकित्सा व्यवस्था है हमारे यहाँ की, वो तो चरमरा गई है। जैसे मान लीजिए खांसी, बुखार, जुकाम, जो एक मौसमी बीमारी थी, लोग उनका भी इलाज नहीं करा पाए। और जो ये तो एक मान लीजिए कि एक तरह से जो है हम लोग बोलते रहते हैं कि भाई जो हमारे प्राइवेट डॉक्टर है, जो अपनी छोटी छोटी दुकान करके यहाँ लगे हुए हैं, अगर बाय चांस वो ना हो, उनको जो है किस तरह से अलग हटा दिया जाता, तो ये मंजर बहुत बुरा हो सकता था। उन लोगों ने जो है बहुत मतलब एक तरह से जो है लोगों की मदद करी। सादिया, आपको क्या परेशानी है जो आप इस कैंप में दवाई लेने आए, आपको ऐसे क्या परेशानी है? परेशानी यह हुई जी, एक तो मेरी जो है कमर में दर्द रहे, और क्या है, और दिल घबरा हुआ है थोड़ा सा, जोड़ों में दर्द है।
आपने सरकारी अस्पताल में गए कभी और वहाँ से कुछ दवा सुविधा मिली आपको? जी वहाँ कहाँ टाइम लगे, वहाँ तो जो है डॉक्टरी बारी हमें ना कुछ टाइम लगता उनका आने का, इतने हमारे थोड़ा टाइम नहीं, मजदूर आदमी हम, दो दो घंटे बैठे रहे वहाँ। क्या बार जा चुके आप वहाँ पे? सरकारी अस्पताल में 2-3 बार जा लिया जी वहाँ में। तो आपको 2-3 बार एक बार भी दवाई नहीं मिली? आपको दवाई मिली, जो उनसे दवाई मिल चाहती हुई मिली नहीं। मेडिकल कैंप उसमें कैसे सहयोग है आपका? इसमें संस्थाओं के द्वारा ही ये मेडिकल कैंप लगाया गया है और ये सहयोग हमारा ये है कि हम ऐसी जगह को चिन्हित कर रहे हैं कि जहाँ पे प्राइमरी लेवल की स्वास्थ्य जो सेवाएं है वो नहीं है, वहाँ पे जा रहे हैं हम, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो देखने को मिल रहा है कि बीमारियाँ लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा है लेकिन वो उनको छुपा रहे हैं। तो देखो सरकार के लिए क्या करें कि जो प्राइमरी लेवल की एक सुविधाएं होती है हेल्थ की, जो अभी हमने कोरोना काल में देख लिया है कि हमारी स्वास्थ्य की जो सेवाएं है वो कितनी बेहतर है और हॉस्पिटलों में अस्पतालों में क्या क्या चीज़ें उपलब्ध है, तो वो हमने कोरोना काल में देख लिया है। हम गांव की देहातों की और पिछड़े जहां लोग रह रहे हैं, सब पिछड़े समुदाय के लोग रह रहे हैं, वहाँ की अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य सेवाएँ बिल्कुल एकदम ज़ीरो है। क्या आपके साथ डॉक्टर भी सहायता के लिए है या वे कुछ चार्ज ले रहे हैं आप? नहीं, डॉक्टर फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे साथ लगे हुए हैं, वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वो टाइम दे रहे हैं अपना, और क्योंकि हम हमसे जितना हो पाता है जिस चीज़ का अरेंज हम कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं, बाकी डॉक्टर्स अपने स्तर से किस तरीके से किस मरीज को कौन सी दवाई देनी है वो डॉक्टर खुद उनका चेकअप करने के बाद उनको दे रहे हैं। दिया ने